हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट लेजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख की लाइफस्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में, और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको शायद आप नहीं जानते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप आशा पारेख के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है आशा पारेख और निक नेम है जुबलीस गर्ल एंड टॉम बॉय। प्रोफेशन से एक्ट्रेस, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था, और 2022 के हिसाब से आज इनकी एज 80 साल हो गई है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट लगभग 5'10" और इनका आई कलर डार्क ब्राउन, और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो आशा जी ने अपने कैरियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मूवी माँ से की थी, जो 1952 में आई थी, और इनका स्क्रीन नेम था बेबी आशा पारेख। और उसके बाद इन्होंने एज अ चाइल्ड काफ़ी मूवियों में काम किया, जिनके नाम हैं आसमान, धोबी डॉक्टर, बाप बेटी, उस्ताद। और एज अ लीड रोल डेब्यू किया था इन्होंने मूवी दिल दे के देखो, जो 1959 में आई थी, और हिंदी के साथ साथ इन्होंने गुजराती, पंजाबी, कन्नड़ मूवियों में काम किया है। इनकी फर्स्ट डेब्यू गुजराती मूवी का नाम है अखंड सौभाग्यवती, जो 1963 में आई थी। इनकी फर्स्ट डेब्यू पंजाबी मूवी का नाम है कनकंडे ओले, जो 1971 में आई है। इनकी फर्स्ट डेब्यू कन्नड़ मूवी का नाम है सारा वेगड़ा सारा डारा, जो 1989 में आई थी, और इन्होंने टीवी में भी एज अ डायरेक्टर काम किया है। इनका फर्स्ट टीवी शो था ज्योति, जो 1990 में आया था, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में काम किया, जिनके नाम हैं हम हिंदुस्तानी, घराना, भरोसा, जिद्दी, शिकार, कहीं और चल, प्यार का मौसम, नया रास्ता, कटी पतंग, ज्वाला, हीरा, रानी और लाल परी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, लावा, हथियार, इंसाफ का खाना, घर की इज्जत। तो हमको कमेंट करके बताना कि आशा पारेख जी की कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसी लगती हैं। और इनका अपना एक हॉस्पिटल भी है, BCG हॉस्पिटल एंड आशा पारेख रिसर्च सेंटर, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कटी पतंग के लिए मिला था, और साथ ही साथ इनको गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1992 में। साथ ही साथ इनको फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया साल 2002 में। और अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम बच्चू भाई पारेख है, और इनकी मदर का नाम सुधा पारेख है। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं। तो ये अभी अनमैरिड हैं, और इंटरनेट पर ऐसे ही रूमर थे कि इनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके थे नासिर हुसैन, जो कि प्रोफेशन से एक फिल्म मेकर थे। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डांसिंग, डूइंग योगा काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट एक्टर हैं शम्मी कपूर, देवानंद। फेवरेट एक्ट्रेस हैं वहीदा रहमान। फेवरेट डायरेक्टर हैं विमल रॉय, और फेवरेट सिंगर हैं आशा भोसले। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अभी आज़ाद रोड जुहू मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है मर्सिडीज बेंज, एंड सेकंड कार है मारुति सुजुकी सियाज। अब इनकी इनकम के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग पहले 50 लाख रुपए पर मूवी चार्ज करती थी, और अब इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 350 करोड़ रुपए है। तो ये थी आशा पारेख जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।